बिग बॉस सीजन 10 शुरू हो चुका है और शो को अभी एक हफ्ते भी नहीं हुआ है और शो में कॉन्ट्रोवर्सीज स्टार्ट हो चुकी है। चलिए आपको बताते हैं कि आपके फेवरेट शो में क्या क्या चल रहा है। प्रियंका जग्गा ने रोहन को डाल दिया है जेल में क्योंकि वो है घर की मालिक। ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि रोहन ने उन पर पानी गिरा दिया था। दोनों में काफी झगड़ा होता है और थोड़ी देर में प्रियंका उन्हें जेल से बाहर भी निकाल देती है। प्रियंका सबके साथ बैठकर खाना खा रही होती है जब वो बोलती है कि उन्होंने कभी भी अपने हस्बैंड के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखा है। बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि टास्क खत्म होने के बाद दो लोग जेल में जाएंगे और वो लोग लंबे समय के लिए जेल में रहेंगे। बिग बॉस सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट को 3 रिडल्स देते हैं और वो आंसर गेस करना शुरू करते हैं। गौरव कोशिश करते हैं कि वो आंसर का पता करे और इसीलिए वो प्रियंका से बात करना शुरू करते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्होंने भाग के शादी की थी। बिग बॉस रिडल्स के आंसर मांगते हैं और सेलिब्रिटीज उनके आंसर गलत देते हैं। लोकेश, नवीन, मानवीर, नितिभा और प्रियंका अपने अपने सीक्रेट्स रिवील करना शुरू कर देते हैं जैसे कि बिग बॉस इन्हें बोलते हैं। सेलिब्रिटीज राज गेम हार जाते हैं और वो सेवक ही रहते हैं। बिग बॉस इंडिया वालों को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं उनके टास्क जीतने पर। रोहन प्रियंका को पानी वाले इंसिडेंट के बारे में क्लेरिफाई करते हैं और करण ने रखा है अपनी वाइफ निशा के लिए करवा चौथ का व्रत। स्वामी बिग बॉस से कहते हैं कि रोहन को जेल में डाल दिया जाए क्योंकि उसने गलत शब्दों का उपयोग किया है। स्वामी जी से अपनी बात क्लियर कर लेते हैं और दोनों में बात हो जाती है। प्रियंका लोपा को झाड़ू यूज करना सिखाती है कि कैसे कमरा साफ किया जाता है जो कि लोपा को पसंद नहीं आता और दोनों में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद बिग बॉस अनाउंस करते हैं दोनों टीम अपने अपने एक कंटेस्टेंट का नाम लेंगे जिससे ये टास्क सही नहीं किया है वो जेल जाएगा। मोनालिसा और स्वामी का नाम नॉमिनेट किया जाता है। मोनालिसा जेल के रूल्स बताती है। नवीन बोलते हैं कि उसने स्वामी और आकांक्षा का नाम लिया था क्योंकि उन्होंने अपने अपने टास्क में गलती की थी। प्रियंका करवा चौथ की पूजा कर रही होती है और बोलती है कि अगर घर की बाकी लेडीज ने व्रत नहीं रखा है लेकिन वो ये पूजा तो कर सकती हैं। वो बोलती है कि उसे हर हाल में ये गेम जीतना है। प्रियंका रोहन और रूपा को बोलती है कि वो उससे दूर रहे क्योंकि उन्हें पूजा करनी है और स्वामी जी मंत्र पढ़ेंगे। स्वामी प्रियंका के सर पर हाथ रख मंत्र पढ़ते हैं। प्रियंका हो जाती है मोना से गुस्सा क्योंकि वो चुप नहीं होती। मोना बोलती है कि प्रियंका ये सब सिर्फ कैमरास के लिए कर रही हैं और वो सिर्फ एक्टिंग कर रही हैं। अगर उसे रिचुअल्स का इतना ही है तो उसे सब कुछ पूरी अच्छे तरीके से करना चाहिए था। मोना और प्रियंका में हो जाती है लड़ाई और स्वामी जी बीच में इंटरप्ट करते हैं। प्रियंका मोना को बोलती है कि एक्टिंग वो कर रही है क्योंकि वो एक एक्टर है। मानवीर भी प्रियंका की साइड लेता है। लोकेश प्रियंका से बोलता है कि उसे सारे रिचुअल्स पूरे नहीं किए हैं। उस पर प्रियंका बोलती है कि उसे अपने कपड़े बदलने थे इसलिए उसने चांद का वेट नहीं किया। मानवीर लोकेश से पूछता है कि वो किसकी साइड पर है तो वो बोलती है कि वो इंसानियत की तरफ है, जो ठीक होगा वो उसी को सपोर्ट करेगी। बिग बॉस प्रियंका और करण को उनकी फैमिली की फोटोज दिखाते हैं। करण निशा की फोटो देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। वेल, ये ड्रामा तो काफी बढ़ता जा रहा है। अभी तो बस एक ही हफ्ते हुए हैं। चलिए देखते हैं आगे आगे और कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज आती हैं बिग बॉस के घर से।